ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم. محترم مشايخ عظام، پیران کرام، علماء اور اساتذہ کرام، عزیز طلباء دین، جملہ اہل علم و فکر، جمیع افراد امت مسلمہ، سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم نے پچھلی نشست میں قرآن مجید کی آیات کریمہ سے خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کا عظیم تذکرہ شروع کیا تھا، اور اس سے قبل کم و بیش 6-7 گھنٹے کی گفتگو جو پچھلی کئی نشستوں میں مکمل ہوئی وہ اس موضوع کے مقدمات پر اور بنیادی اور اصولی کلیات پر مشتمل تھی، تاکہ نفس موضوع کا بنیادی تصور، اس کے بنیادی مقدمات وہ ذہن نشین ہو جائے اور وہ گفتگو ساری قرآن مجید، احادیث نبوی، نہج البلاغہ اور دیگر شیعہ حضرات کی نہایت معتبر کتب کے حوالے سے، اور خاص طور پہ خطبات سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے تھی. پچھلی نشست میں اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں. شیعہ حضرات کی جو ہمارے بھائی ہیں اہل تشیع، ان کی عظیم الشان اور نہایت ہی معتبر اور معتمد اور تاریخی تفسیر روح الجنان و روح الجنان، اس کے حوالے سے، جس کے مؤلف ہیں شیخ ابو الفتوح الرازی جمال الدین، جن کا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ 6ویں صدی ہجری کے بہت بڑے بزرگ شیعہ مفسر ہیں، یعنی ان کا زمانہ وہ ہے، آپ سمجھیں، جو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ابو الحسن شاذلی اور امام سید احمد الرفاعی،
शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी हुजूर ख्वाजा अजमेर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जैसे बुजुर्गों का दौर था। ये उस दौर के नहायत मोतबर मोतमद सिका तरीन मुफस्सिर हैं जिनकी किताब से तफसीर से बड़ी तफसीली गुफ्तगू हम कर चुके और जिन्होंने सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत को कतईयत के साथ कुरान मजीद से साबित किया। आज की गुफ्तगू इसी ही आया करीमा की तफसीर में, जैसा कि मैंने अर्ज किया था, वो आयतुल्ला असैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई इनकी तफसीर से कर रहे हैं। बहुत बड़े नामवर बुजुर्ग हैं और अहले तशय्यो की इल्मी तारीख में इनका पाया बहुत बुलंद है। आयतुल्ला तबातबाई इनकी तफसीर है अल मीज़ान फी तफसीर अल कुरान, नवी जिल्द है, नवी जिस जिल्द में ये आयत करीमा और इसकी तफसीर आई है। आयत करीमा सूरह तौबा की है, आयत नंबर 40। अब इस आयत करीमा को बयान करने के बाद मैं इजमालन अर्ज कर दूं कि इस अम्र में अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों, हर दो तरफ के आइम्मा तफसीर और उलमाए तफसीर और उलमा और मुहक्किकीन, हर दो तरफ के उनका इजमा है इस बात पर, अहले सुन्नत और अहले तशय्यो के दरमियान इस अम्र पे कोई इख्तिलाफ और निजा ही नहीं है कि यह आया करीमा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में नाजिल हुई। तो कायदा कुल्लिया जो जहन नशीन करने का है वो ये कि कहीं तो कुरान मजीद ज़वात मुकद्दसा सहाबा कराम हो या अहले बैत अतहार हो, उनका जिक्र उमूम के साथ करता है, इजमाली तौर पे करता है और तख़सीसन किसी एक फर्द के लिए नहीं करता। उससे मुराद सारे सहाबा कराम और जमी अहले बैत अतहार के नफूस कुदसिया होते हैं। कभी तो ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है कि बहुत सी आयात करीमा कुरान मजीद में नाजिल हुई मगर उनकी तावील करते हुए, तफसीर करते हुए सहाबा कराम से, ताबेईन से, अतबाउ ताबेईन से और उलमाए तफसीर से मुख्तलिफ अकवाल मरवी होते हैं। यानी वो ये कहते हैं कि ये आयत फुलां की शान में नाजिल हुई, ये आयत फुलां फुलां की शान में नाजिल हुई और उस पर अहले इल्म और अहले तफसीर के यहां इख्तिलाफ होता है, यानी कई अकवाल पाए जाते हैं। सो वो कई अकवाल कि फुलां की शान में नाजिल हुई, दूसरे ताबेई ने कहा फुलां फुलां की शान में नाजिल हुई, बाज़ दीगर ताबेईन ने कहा फुलां की शान में नाजिल हुई, बाज़ दीगर उलमा ने कहा इसका इतलाक फुलां पर है। ये अकवाल मुख्तलिफा अहले सुन्नत की कुतुब तफसीर में भी पाए जाते हैं और अहले तशय्यो की कुतुब तफसीर में भी होते हैं। ये दूसरी किस्म है कि उस पर तावील में, तशरीह में, ताबीर में, इतलाक में, इंतबाक में मुंतबिक करने पर इख्तिलाफ होता है और कोई किसी कौल को तरजीह देता है, कोई किसी कौल को तरजीह देता है। यह दूसरी किस्म। तीसरी किस्म ऐसी आयात करीमा की है कि जो किसी एक शख्स के लिए वारिद हुई, नाजिल हुई और उस पर किसी का इख्तिलाफ ही नहीं होता, उसकी ताबीर और तशरीह पर, उसके इतलाक और इंतबाक पर, कि फी मन नजालत ला खिलाफ फी, कि किसकी शान में नाजिल हुई इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं होता। यह तीसरी किस्म है। इसके बाद एक चौथी किस्म भी। यह तीसरी किस्म यूं है कि मसलन कोई इख्तिलाफ नहीं अहले सुन्नत के आइम्मा तफसीर में,
सहाबा कराम ताबईन अतबा ताबईन से लेकर आइमा तफसीर तक अहल सुन्नत में सारे मुत्तफिक हैं कि फुलां की शान में नाजिल हुई। या अहल तशय्यो सारे मुत्तफिक हैं कि फुलां की शान में फुलां के बारे में नाजिल हुई अलग, ये तीसरी किस्म हो जाती। चौथी किस्म ऐसी आयत करीमा की है, और ये आयत करीमा उस चौथी किस्म में आती है जिस पर जमी इत्तेफाक है, कामिल इजमा है अहले सुन्नत का भी और अहले तशय्यो का भी। न अहले सुन्नत की कुतुब में दूसरी राय और दूसरा कौल है, न अहले तशय्यो की कुतुब में कोई दूसरी राय और दूसरा कौल है। दोनों घर जिस पर मुजतमे मुत्तफिक हैं, इतना बड़ा इत्तेफाक किसी एक आयत करीमा की तफसीर पर कम मवाके पर होता है कि यह फुलां शख्स की शान में नाजिल हुई, सबसे बड़ा इजमा और इत्तेफाक है। और यह वो आयत करीमा है जिस पर अहले सुन्नत और अहले तशय्यो में गोया उम्मत का सहाबा कराम और ताबईन से लेकर अहले बैत अतहार से लेकर आज की इस साल इस सदी तक जिसमें हम जिंदा हैं 1500 साल की तारीख में हर दो मजहब में से किसी तरफ का इख्तलाफ नहीं हुआ। यह है खास नुक्ता जिस पर मैं सामईन को, नाजरीन को और समझने वालों को और अहले हक हक की तलाश करने वालों को बतौर खास मुतवज्जे करना चाहता हूं। इतना बड़ा इजमा और इत्तेफाक है कि यह हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जिसका जिक्र है सानी अस्नैन, दो में से दूसरा, इससे मुराद सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सीदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु। ना इस पर शिया मुफस्सरीन ने दूसरी बात कही, ना इस पर अहले सुन्नत के मुफस्सरीन ने दूसरी बात कही। अब यह बात मैंने बहुत जोर देकर इसलिए कही कि इख्तिलाफ तो इस पर रहा नहीं कि कुरान का यह मुराद है, कुरान की मुराद। तो अब देखिए कि कुरान ने सीदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र किस पैराए में किया है, इसका बयान कुछ मैं कल कर चुका हूं, आज शायद एक दो नए पहलू गुफ्तगू में आ जाएं। पहली बात तो मैं कल कर चुका हूं, आज दोहराना नहीं चाहता, सिर्फ इशारा है। सानी अस्नैन, दो में से दूसरा, अलहम से वन्नास तक पूरे कुरान मजीद को पढ़ लीजिए, न किसी और सहाबी के लिए, न किसी अहले बैत अतहार में से किसी नफ्स मुकद्दस के लिए यह टाइटल पूरे कुरान में अल्लाह ने वारिद नहीं किया। यह टाइटल कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी के हक में नाजिल नहीं किया। सानी अस्नैन, अब देखिए इसमें शान का इजहार भी है और अजमत का इख्फा भी है, छुपाया हुआ है इसनैन के पर्दों में, दो में से दूसरा। यह अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु है, और यह एक ऐसा बयान इख्फा है जिसमें गोया फना और इंजमाम है। उसको कहा है दो में से दूसरा जिसे मुकामे फनाइयत हासिल है, गोया जुदाई की दीवार को गिरा दिया है, तफरीक की दीवार को मिसमार कर दिया है। और आगे फरमाया इज हुमा, जब वो दोनों गार में थे, इज हुमा फिल गार। अब दूसरा शान सुन समझिए, बयान शान का, आप कुरान मजीद को पढ़ लें, ये मैं अहले सुन्नत तालिबीन हक हैं, अहले तशय्यो तालिबीन हक हैं, मैं आपको हमेशा ये बार बार हर रोज कहता हूं कि खुदा के लिए मेरी गुफ्तगू अक्यूपाइड माइंड्स के साथ ना सुने, फिर फायदा नहीं होगा, फिर आप एक कान से सुनते जाएंगे इधर से निकालते जाएंगे, और ये तलाश हक करने वाले की शान नहीं है कि जहन को पहले ख्यालात से भर लिया तो फिर तो जगह ही नहीं छोड़ी आपने मेरी बात को सुन के अंदर जहन में दाखिल करने की। आप जहन को खाली रखें, मेरी बात को सुने,
कुरान के हवाले से क्या कह रहा हूं, हदीस के हवाले से क्या कह रहा हूं, मौला अली शेर खुदा की तालीम के हवाले से क्या कह रहा हूं, कुतुब अहले तशय्यो के हवाले से, आइमा अतहार आले बैत के हवाले से क्या कह रहा हूं, सुने एक बार, सुने उन्हें मौका दे जहन तक जाने का। जो कुछ मौलवियों और जाकिरों ने एक दूसरे के खिलाफ तीरंदाजी की जंग में, जंगो जिदाल में, मुजादला में, उम्मत को टुकड़े टुकड़े करने की मुहिम में, साजिश में, दीन को हलाक करने और उम्मत को बर्बाद करने की साजिश में जो एक जंग जारी कर रखी है, उससे जो परागंदगी आपके जहनों में आ गई है, एक लम्हे उस परागंदगी को हटा दें और भरी हुई स्याही से अपनी तख्ती को एक बार धो लें, गाची से पानी से धो दें, गुंजाइश रखें कि मेरी बात आपके जहन तक अंदर चली जाए, फिर सोचें आराम से, तोलें, बात में सच्चाई, वजन और सदाकत नजर आए तो जहन में रख लें, दिल में रख लें, कबूल कर लें, नहीं तो फेंक दें। बस मैंने तो कभी इसके अलावा झगड़ा ही नहीं किया किसी से। मैं जब खवारिज वक्त को, खवारिज असर को जब खिताब करता हूं, जो आज के दौर के खारजी हैं, जिनके दिल मोहब्बत अहले बैत से खाली हैं, जिनकी तबीयतों में इनकबाज है हुब्बे अहले बैत के बाब में, तंगी है जो अहले बैत की और मौला अली की और सैदा कायनात की हसनैन करीमैन की शान सुनकर जिनके दिलों में राहत नहीं होती, जब उन्हें खिताब करता हूं उनसे भी इसी तरह की बात करता हूं कि ऑक्यूपाइड ना रहें, जेन को एंगेज ना रहें, खाली करके जेन को सुने, बाद में फैसला करें। ये अदल का तकाजा है, तो सुनिए इसको। और इस पर दूसरी बात मैं हमेशा यह कहता हूं, भाई हाँ, आपकी किताबों ने क्या लिखा, फलां की किताबों ने क्या लिखा, फला रिवायत में क्या आया, सब किताबें सब रिवायतें छोटी हैं, नीचे हैं, सबसे बड़ी अल्लाह की रिवायत है जो बसूरत वही मुस्तफा को की, सबसे बड़ी अल्लाह की किताब है जो कुरान की सूरत में नाजिल हुई। हर शय से इख्तलाफ हो सकता है, कुरान से इख्तलाफ नहीं हो सकता। रिवायतों में हजार बार गलतियों का इम्कान हो सकता है, कुरान में गलती का इम्कान नहीं हो सकता। कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने, कुरान की आयत किसी ने घर के नहीं डाली, रिवायतें बहुत लोगों ने घर के डाली, दौरे बनू उमैया में भी और दौरे अब्बासी में भी, इस तरफ से भी इस तरफ से भी। इसलिए जरहो तादील का फन वजूद में आया ताकि खोटे को अलग कर दिया जाए, खरे को बचा लिया जाए। ये एक अलग बाब है, एक साइंस है। कुरान पर किसी जरहो तादील के फन का इतलाक नहीं है, सुभान अल्लाह, क्योंकि ये लोगों की रिवायत नहीं है, रावियों के जरिए नहीं है रिवायत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बराह रास्त भेजा और एक ही ट्रांसमीटर रावी है दुनिया में, सैयदना जिब्राइल अमीन। और जिब्राइल अमीन ने इतना लफ्ज भी नहीं बोला जो आम रावी बोलता है, काला काला रसूलुल्लाह, इतना भी नहीं कहा या रसूलुल्लाह, काला काल अल्लाह भी नहीं कहा। यह लफ्ज ऐड करने की भी इजाजत नहीं थी, जो अल्लाह ने नाजिल किया कल्बे मुस्तफा पे उतार दिया। इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है। तो दूसरा कलाम फरमाया, इज हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे। अब जो बात कहना चाहता हूं, आप अलहम से वन्नास तक पूरे कुरान मजीद का मुताला कर लें, दो बातें क्लियर हैं आपको नहीं मिलेंगी कि अल्लाह अपना जिक्र करे और अपने महबूब का जिक्र, किसी मखलूक का जिक्र करे और दोनों को एक जमीर में जमा कर दे। ये शान सिवाय ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के किसी और को अल्लाह ने अता नहीं किया। खा वो जमीर जो है वाहिद की हो, खा वो तस्निया की हो, मगर जमीर एक हो, खा हू हो खा हुमा हो, ये एक अलग बात है। जमीर एक ही है मगर हू वाहिद के लिए इस्तेमाल होती है, हुमा दो के लिए इस्तेमाल होता है। इस दोनों को, हू को भी हो को भी, अहले इल्म फन ये कहेंगे कि दो का जिक्र एक ही जमीर में किया है, एक ही जमीर में किया है। फिर कहते हैं कि ये जमीर है लिल वाहिद, ये जमीर है लिल इसनैन। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने और अपने महबूब को एक जमीर में जमा करता है, जमीर वाहिद में भी जमा किया है
और अहादीस में दर्जनों अहादीस हैं आका अलैहिस्सलाम की जुबान अकदस में जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल को एक ही जमीर में हुमा कह के जमा किया है। एक इस्तेसना है, इसके सिवा कोई इस्तेसना नहीं। अब ये पोजीशन मखलूक की है। आका अलैहिस्सलाम का तज़किरा जब आता है तो बहुत कम है कि हुजूर अपने साथ किसी और को मिला के तो एक जमीर हुमा की इस्तेमाल हुई हो, अलग अलग जिक्र आते हैं। अब ये हदीस नबवी का मजमून नहीं है, ये कुरान है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस महबूब सहाबी मुस्तफा अबू बकर सिद्दीक को दोनों को इकट्ठा एक जमीर में बयान किया। अल्लाह ने कुर्बत के बयान की इंतहा कर दी है, दोनों को जमा करने, उनकी कुर्बत, उनकी फनाइयत इंतहा कर दी है बयान में। इज हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे, तो जब हुमा एक ही जमीर तस्निया में जब दो को जमा कर दिया जाए तो इसका मतलब है अल्लाह रब्बुल इज्जत का यह फैसला है कि मुस्तफा और मेरे मुस्तफा का यह गुलाम अबू बकर कभी जुदा नहीं होंगे। जब अल्लाह ने हुमा बनाकर दोनों को एक जमीर में जमा कर दिया, जिनको अल्लाह ने जमा कर दिया उनको कोई और इंसान जुदा कैसे कर सकता है? यह सिद्दीक अकबर कैसे हुजूर से जुदा हो सकते हैं? उनका जुदा होना तो फिर माज अल्लाह अल्लाह के कलाम को गलत कर देगा, नफी कर देगा, तकजीब कर देगा। क्योंकि अल्लाह जब कलाम करता है तो एक दिन का इल्म नहीं रखता, यह नहीं कि उस हफ्ते का हाल जानता है और अगले हफ्ते का मालूम नहीं, महीने साल का हाल जानता है अगले साल का मालूम नहीं, 23 साल का हाल जानता है या 10 साल का, तो विसाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का हाल मालूम नहीं। अल्लाह के इल्म की शान यह नहीं है, अजल से अब तक वो सारा इल्म रखता है, आलिमुल गैब वश्शहादा। जब वो एक शान किसी को देता है तो आगे पीछे सब कुछ देख कर देता है। उसको इल्म है कि ये ना गार में जुदा हुए हैं इकट्ठे हैं और बाद अज वफात मजार में भी इकट्ठे रहेंगे। इज हुमा फिल गार इशारा कर रहा है कि यकूना हुमा फिल मजार, ये दोनों मजार में भी इकट्ठे होंगे। यानी हुजूर के विसाल के बाद में भी हुमा में जो जमईयत पैदा कर दी थी शान जमा वो कभी खत्म नहीं होगी। ये खास नुक्ता है। फिर तीसरी बात इज यकूल उल साहिब ही, फिर इरशाद फरमाया जब वो अपने सहाबी से कह रहे थे। इस पर बात हम कर चुके, आज भी आएगी कि वाहिद मुकाम है जिसमें कुरान मजीद ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में उन हजारहा नुफूस कुदसिया में से एक शख्स को चुनकर अल्लाह ने अपनी जुबान से सहाबी कहा है, जिसको अल्लाह ने सहाबी मुस्तफा कहा। कोई मुसलमान सोच सकता है कि हुजूर के विसाल के बाद वो शान सहाबी से गिर जाएगा? इसका मतलब है माज अल्लाह अल्लाह को गलती लगी ये कहते हुए। अब अल्लाह ने जिसको सहाबी डिक्लेयर कर दिया तो उसकी सहाबियत को मनसूख करने के लिए फिर कुरान की आयत चाहिए, नस सरी, नस कतई और मुअय्यन और खास। इसको रिवायतें और वाकयात, अबातीर और किस्से, कहानियां और तज़करे करोड़ भी जमा हो जाएं तो अल्लाह की कुरान की इस किताब की नस सरी को और नस कतई को मनसूख नहीं कर सकते। जो अपने मौरिद में और अपने इतलाक में भी कती। लिहाजा सीधना सिद्दीक अकबर की शान पर तो गुफ्तगू करना तो सरीहन कुरान को जुटला देना है, मनफी गुफ्तगू करना। इज यकूल उल साहब ही, फिर फरमाया ला तहजन इन्नल्लाह माअना। अब तक तो मैयत थी रसूल की और अबू बकर सिद्दीक की, दो की। अब तीसरी इस मुकाम पर फरमाया इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हम दोनों के साथ है। अब अल्लाह की मैयत भी मुस्तफा और अबू बकर सिद्दीक को मिल गई, अब तीन हो गए, अल्लाह रसूल और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हम दोनों के साथ, वरना आका अलैहिस्सलाम फरमा देते अल्लाह मेरे साथ है अबू बकर, न घबराओ हमें कोई गजंद नहीं पहुंचा सकता, नहीं फरमाया अल्लाह हमारे दोनों के साथ। तो बोलिए जिनके साथ अल्लाह हो क्या उनके कदम भी कभी लड़खड़ा सकते? अल्लाह अपनी माइयत की जमानत दे दे और जुबान मुस्तफा से दे, ये वो माइयत नहीं है जो उमूमी माइयत हर एक को नसीब है। नहनु अक़रबु इलैय मिन हब्लिल वरीद उमूमी बात नहीं है, ये खुसूस के साथ कलाम है। और फिर पांचवा दर्जा, माइयत ऐसी नहीं है कि माइयत मिली और छूट गई, नहीं, अफ़ंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैह, उस पर सकीनत अल्लाह ने उनके दिल पे नाजिल कर दी ताकि मरते दम तक इस्तिकामत नसीब हो जाए। अब माइयत मुहम्मदी और माइयत इलाहिया में इस्तिकामत भी नसीब हो गई, इस्तिकामत भी नसीब हो गई। ये पांच शाने हैं जो इस एक आयत करीमा में सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाम को बुलंद करती है। अब ये आयतुल्ला तबा तबाई इस आयत करीमा के तहत, मैंने जैसे कि अर्ज किया था कि इस पर कोई इख्तलाफ नहीं अहले सुन्नत और अहले तशय्यो के दरमियान, अब उस पर दलील ला रहा हूं। ये किताब अल मीज़ान, इसकी जिल्द 9 सफा 279, उसमें आप लिखते हैं वल मुराद व साहिब ही हुवा अबू बकर। अगला लफ्ज गौर से सुनिए, लिन नकल कतई, ये रिवायत कतईया है, इसमें किसी शक को शुबा का इम्कान नहीं, इसको रद्द करना अपने ईमान को खराब करना है। ये लफ्ज लिखे हैं आयतुल्ला तबा तबाई ने हुवा अबू बकर लिन नकल कतई, क्या जरूरत थी अगला लफ्ज लिखने की, उन्होंने हर शक को शुबा की जड़ काट दी। उसके बाद आयतुल्ला तबा तबाही ही खुद अपनी तफसीर में फिर बैसे मासूर भी लाते हैं, रिवायात की बहस भी लाते हैं, और रिवायात से और मरवियात से भी हदीस की कुरान मजीद की तफसीर को साबित करते हैं। उसमें हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, और ये सहाबी भी अहले बैत में से और मौला अली शेर खुदा के मुसाहिबीन में से, हज़रत इब्न अब्बास अहले बैत में से, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के साहबजादे, और सीधना मौला अली शेर खुदा के उसी तरह सगे चचाजाद भाई। वो फरमाते हैं, लम्मा खराज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अल-लैल, वो बयान कर रहे हैं तफसील, जब आका अलैहि सलाम रात को निकले तो गारे सौरत की तरफ चले, फरमाते हैं वत्ताबिअहू अबू बकर, सीधा अबू बकर सिद्दीक रजी। अब इस रिवायत में वो कहते हैं उनको पता चला कि आका अलैहि सलाम हिजरत फरमा गए। एक रिवायत आती है कि आका अलैहि सलाम सीधा अबू बकर सिद्दीक के घर गए और उनको साथ लेके चले, साथ लिया। एक रिवायत है कि आप चले और सैयदना सिद्दीक अकबर को खबर थी, आप उनके पीछे चले, ये अल्लाह ने आगाह कर दिया तो उनके पीछे आए। इन्होंने दूसरी रिवायत को लेकर बयान किया है लतीफ बात। अब यहां आका अलैहिस्सलाम के एतमाद का इजहार हो रहा है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक की वफादारी और जान इसारी पर हुजूर अलैहिस्सलाम का एतमाद कितना था, कामिल यकीन। जब वो उनके पीछे चले, फलम्मा समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिस्सहु खल्फहु खाफ अन यकून अत-तलब, जब किसी आदमी के पीछे चलने की आहट आई, पीछे चलने की कदमों की आहट सुनाई दी, और आपने महसूस कर लिया कि कोई आदमी, चूंकि रात का वक्त था, पीछे आ रहा है, तो आपने ये ख्याल किया कि शायद कुफार जो मेरी तलाश में निकले हैं कहीं वो ना निकले हो। लेकिन फलम्मा रआ ज़ालिका अबू बकर तनहनहा फलम्मा सामिअ ज़ालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह अर्रफहु फकाम लहू हत्ता तबिअहु फअतिया अल-ग़ार, और जब आपको पता चला कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु है, आका अलैहिस्सलाम खुश हो गए, वेलकम किया और खड़े हो गए, उनको पहचाना, उन्होंने अपनी पहचान करवाई और आप खड़े रहे
سیدنا ابو بکر صدیق کی آمد کی انتظار تک کہ مجھے مل لے. جب وہ آپ سے مل گئے, اتنی دیر کھڑے ہو کے انتظار کیا, تو تب دونوں مل کے غار میں گئے. اس پر کہتے ہیں اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار میں. پھر آیت اللہ تباتبائی لکھتے ہیں قال فما کا سا ہوا ابو بکر فی الغار ثلاثۃ ایام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر دونوں غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں قیام پذیر رہے. باقی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں کہ 3 دن اور 3 راتیں جب قیام پذیر رہے تو اس وقت پھر آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر صبح و شام گھر سے کھانا پہنچا جاتے, اور آپ کا غلام عامر بن فیرہ بکریوں کے لا کے دودھ پہنچا جاتا, تو پورا گھر سیدنا صدیق اکبر کا آقا علیہ السلام کی نوکری پہ لگا رہا. اب ایک اگلا ریفرنس دے رہا ہوں, اہل تشیع حضرات کی بہت بڑی معتبر کتاب ہے, تفسیر کی کتاب البرہان فی تفسیر القرآن, البرہان. اس کے مصنف ہیں سید ہاشم بن سلیمان بن سید اسماعیل بن سید عبد الجواد الحسینی البحرانی. 1107 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اس تفسیر کی کتاب کا اور چھپی ہوئی ہے قم سے, مطبع علمیہ قم, مطبع علمیہ قم کی چھپی ہوئی تھی, میزان بھی ایران کی چھپی ہوئی تھی. تمام کتب جن کے ریفرنس دے رہا ہوں یہ سب قم اور تہران کی چھپی ہوئی. 1393 ہجری کا مطبوعہ ہے طبع جو میرے پاس ہے اس وقت, مطبع علمیہ قم کا, اس کی 2ری جلد ہے, اور طبع ثانیہ ہے, سیکنڈ ایڈیشن ہے یہ. اب اس حدیث, اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کشف بھی کرایا غار ثور میں, ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور انہوں نے دیکھا سیدنا ابو بکر صدیق نے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے لوگ دریا میں آ رہے ہیں, سمندر میں کشتی میں سوار آ رہے تھے. ان کو وہ منظر دکھایا اور مدینہ طیبہ میں انصار جو انتظار کر رہے تھے آمد مصطفیٰ کی, تو غار ثور سے بٹھا کر مدینہ بھی دکھا دیا. یہاں ایک بڑی دلچسپ روایت بیان کرتے ہیں صاحب برہان صفحہ 126 پر اسی آیت کے تحت, اور سید رضی, یہ سید رضی ہیں جو مؤلف اور مرتب ہیں نہج البلاغہ کے, وہ اپنی کتاب الخصائص میں روایت کرتے ہیں, الخصائص میں, اور بیان کرتے ہیں کہ یہ اسناد مرفوع کے ساتھ ہے. بس آگے میں نے آپ قرض کیا تھا کہ ان کے یہاں بالعموم روایت کو, سند پوری کو, روات کو بیان کرنے کا رواج نہیں, بس لکھ دیا کہ اسناد مرفوع کے ساتھ روایت کرتے ہیں, اور راوی جو ہیں سید رضی ہیں لکھنے والے اپنی کتاب الخصائص میں. کہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد نے, آپ کے مصاحب میں سے ایک کسی نے پوچھا اینا کنتا حیث ذکر اللہ نبیہ و ابا بکر ثانی یسنین ازما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. آپ کے ایک اصحاب میں سے, تلامذہ میں سے ایک نے پوچھا کہ اے مولا علی شیر خدا امیر المومنین, اس وقت آپ کہاں تھے جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. اب یہ بات اس سے معلوم یہ ہوا سید رضی کی روایت سے, اسناد مرفوع سے, کہ یہ بات صحابہ کرام میں بھی طے تھی, مولا علی شیر خدا کے وقت میں بھی طے تھی, اور آپ کے تلامذہ کو بھی موجود تھی. اس وقت بھی اختلاف نہیں تھا, آج بھی اختلاف نہیں. اس نے صرف یہ سوال کیا کہ آپ کہاں تھے اس وقت جب اللہ نے اتنی بڑی شان کی آیت نازل کی, اتنی عظمت بیان کی, اتنی علو منزلت اور علو قدر بیان ہوئی, اتنی عظیم شان بیان ہوئی ابو بکر صدیق کی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ.
ثانی اثنین کہا, اذ یقول لصاحب ہی کہا, لا تحزن ان اللہ معنا کہا, دو میں سے دوسرا, جب دونوں غار میں تھے اللہ ہمارے ساتھ ہے, جب اتنی بڑی شانیں بیان ہوئی تو آپ کہاں تھے اس وقت, یہ سوال کیا. اب امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ جواب دیتے ہیں, فقال امیر المومنین ویحک یبن الکوا کنت علی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم ہلاک ہو جاؤ, ہلاک ہو جاؤ تم مجھ سے یہ پوچھنے والے, میں اس وقت مصطفیٰ کے بستر پر لیٹا ہوا تھا. اب نصیب نصیب کی بات ہے, مجھے تاجدار کائنات کا بستر نصیب کیا اور ابوبکر صدیق کو تین دن اور تین رات کو اپنی صحبت اور خلوت نصیب کی, عطا کی غار میں. تو نہ ادھر کوئی زبان اہانت کھول سکتا ہے, نہ ادھر کوئی زبان اہانت کھول سکتا ہے. تو کتنی ناانصافی کی بات ہوگی کہ ایک طرف عقیدت ہو اور ایک طرف یعنی عداوت پیدا ہو جائے. استغفر اللہ العظیم. تو آپ نے فرمایا اس وقت میں آپ کے بستر پہ لیٹا ہوا تھا جب ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کی مائیت میں غار ثور میں تھے اور اللہ کی یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی. تو گویا مولا علی شیر خدا نے تصدیق کر دی اس پوری تفسیر کی. اب اس کے بعد ایک اگلی تفسیر شیعہ حضرات کی کتاب الصافی فی تفسیر القرآن, اور اس تفسیر کے مؤلف ہیں محقق محمد بن المرتضی المحسن الکاشانی. یہ بھی گیارہویں صدی ہجری کے بڑے جلیل القدر شیعہ مفسرین میں سے ہیں. یہ ان کی جلد اول کی جز اول میں ہے یہ آیت کریمہ جو بیان ہوئی, اور یہ بھی تبع اس کا 1393 ہجری کا ہے اور ایران کا تبع ہے, تہران کا, خیابان بوزر کا. کتاب الصافی. اب سورہ توبہ کے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں اذ یقول لصاحب اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحب ہی, اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, بڑی خاص بات ہے, ہوا ابو بکر لا تحزن اے لا تخف ان اللہ معنا بالعصمت والمعونہ, اے ابو بکر غم نہ کر خوف نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے, یعنی اس نے ہمیں اپنی عصمت اور اپنی مدد کے ساتھ اپنی حفاظت میں لے لیا ہے. تو گویا اب یہ کتاب الصافی شیعہ حضرات کی تفسیر کے تحت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اپنی عصمت و معونت کی حفاظت عطا کی. تو جس صحابی رسول کو اللہ اپنی عصمت اور معونت کی حفاظت عطا کرے, اس کے قدموں میں کبھی بھی زندگی تعدم حیات تزلزل آ سکتا ہے. اور یہ جو بات ہے آگے پھر آپ کی شیعہ حضرات کی ایک جلیل القدر کتاب ہے, کتاب الکافی. کتاب الکافی بہت بڑی اصول میں سے ہے ان کے اصول اربعہ میں, جیسے ہماری سیاستہ ہیں اور بخاری مسلم کا درجہ, اس درجے کی کتاب. اس میں عن الامام باقر علیہ السلام, اب اس آیت کی تفسیر میں سیدنا امام محمد الباقر علیہ السلام کا قول روایت کیا ہے, اور فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الى يقول لابي بكر في الغار اسكن فان الله معنا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک ابو بکر کی طرف کیا اور چہرہ مبارک کر کے فرمایا ابو بکر بالکل اطمینان سے رہ, سکون کر, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. انہوں نے بھی سیدنا امام باقر علیہ السلام نے بھی تصدیق کی, اور اللہ کی یہ جو سکینت ہے اور مائیت ہے اس میں حضور علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق کو شریک کیا, یہ امام محمد باقر علیہ السلام. اب یہ قرآن کا بیان ہے اور تفسیریں ائمہ اطہار اہل بیت کی ہیں, کتابیں شیعہ حضرات کی ہیں تفسیریں. جب اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام کے ساتھ
अल्लाह और अल्लाह के रसूल की माइयत भी हासिल है, इस्मत भी हासिल है, मौनत भी हासिल है, हिफाजत भी हासिल है, सकीनत भी हासिल है, इस्तकामत भी हासिल है। तो बाद के किताबों की रिवायात पर मबनी किस्से कहानियों और वाकयात पर यकीन करके आप कुरान के बयान को अगर मनसूख कर दें तो बताइए किस दर्जे का यह ईमान होगा, किस दर्जे का अदल और इंसाफ होगा। यह आइमा अथार अहले बैत के अकवाल हैं, मौला अली शेर खुदा के हैं, इमाम मोहम्मद अल बाकिर के हैं, कुरान मजीद की तफसीर है। फिर आगे इसी तरह आता है हवाला तफसीर असना आशरी, तफसीर असना आशरी अहले तशय्यो की बड़ी मारूफ जलील उल कदर तफसीर। मुअल्लिफ हैं इसके हुसैन बिन अहमद अल हुसैनी अशाह अब्दुल अजीमी, तेहरान के पास शाह अब्दुल अजीम मजार भी है। हुसैन बिन अहमद अल हुसैनी अशाह अब्दुल अजीमी, उनकी तफसीर जल्द पंजों, वही ईरान का मतबा है। उसमें वो फरमाते हैं, लिखते हैं यही शान सानिया स्नैन इजुमा फिलगार, वो कहते हैं यानी दो नफर बूदांद हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर, सिर्फ दो नफर थे, सिर्फ दो हस्तियां थी गार में, कोई तीसरा ना था। एक हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, एक अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु में थे। आगे करते इज हुमा फिल गार, यह जिक्र है कुरान में जब वो दोनों गार में थे। यहां उन्होंने बड़ा लतीफ नुक्ता बयान किया है खास तफसीर असना आशरी में शाह अब्दुल अजीमी ने। वो बर फरमाते हैं कि आं दो नफर दरगार बूदांद हजरत पैगंबर व अबी बकर, दो अफराद, दो जाने, दो तन जो गार में मौजूद थे। हम तो भाई पांच तन भी मानते हैं और कुरान के बयान किए हुए ये दो तन भी मानते हैं। कोई माने ना माने, मैंने उम्र भर पांच तन की बात की है, हदीस सैया से की है, तो पांच तन भी मानते हैं। और यहां कुरान इज हुमा फिल गार दो तन बयान कर रहा है, तो भर तरीका अहले ईमान का ये होना चाहिए कि ये दो तन भी माने, वो पांच तन भी माने। और वो आगे बयान करते हैं बड़ी खास बात, दरा हाल नुसरत फरमूद हक तआला पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा मुनफरिदन अजहर शय मगर अबी बकर। बड़ी अजीब बात की उन्होंने, कहा कि इस मुकाम पर अल्लाह ताला ने जो अपनी नुसरत भेजने की बात की, अपनी मदद की, अपनी सकीनत की, अपनी मईयत की, अल्लाह ने अपनी नुसरत की, सकीनत की, मईयत की जो बात की, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी और उसको सारी कायनात के नुफूस से, कायनात इंसानी के जुमला अफराद से मुनफरद जुदा कर दिया, सिर्फ और सिर्फ उसमें शरीक किया अबू बकर सिद्दीक को। देख लें, अब ये मेरा कलाम तो नहीं है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, अहले तशय्यो हजरात, नौजवान नस्ल पढ़े लिखे लोग, मैंने आपको अर्ज किया सुन्नियत और शीयत को थोड़ी देर जरा एक साइड पर रख लें, टेबल पर रख लें, एक साइड पर जेन खाली रख लें और तफरेके के माहौल से निकलकर खाली जहन होकर कुरान और कुरान की तफसीर अइमा अतार अहले बैत की जुबान से, कुतुब शिया से, बस उसको सुनिए। यह तफसीर जो मैंने आपको हवाला दिया है तफसीर असना आशरी जिल्द पंजुम हुसैन बिन अहमद अल हुसैनी अशाह अब्दुल अजीमी, वो कहते हैं कि अल्लाह ने जो मदद और नुसरत और मैयत और सकीनत उतारी उस वक्त, उसे मुनफरद कर दिया, सारी कायनात के हर फर्द को उस सकीनत खासा से अलग कर दिया, तो सिर्फ मुस्तफा पर उतारी और शरीक किया पूरी दुनिया में फकत एक फर्द को, अबू बकर सिद्दीक हुजूर के साथ, उनको खास कर दिया। तो जिसको अल्लाह ने सारी कायनात से जुदा तनहा यक तन को मुस्तफा के साथ जोड़ा, हम हुजूर के विसाल के बाद उसी का ही फोड़ना साबित करना चाहते हैं, तो ये कुरान की तकजीब नहीं तो और क्या होगी। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, बस ठंडे दिल से जरा सोचिए, ये नुक्ता नजर
बाद के अदवार फितन की पैदावार है। जब बनू मैया और बनू अब्बास के जबानों में झगड़े शुरू हो गए थे और झगड़ों में इख्तलाफात में एक दूसरे के खिलाफ गलत रिवायतों के घड़ने में वाकयात घड़ने में तो तरह तरह के रावी जैसे कई पैदा हो गए, जैसे बारिश के मौसम में बदनी मेंढक और क्या क्या निकल आता है, इस तरह रावी और लिखने वाले और बयान करने वाले किस्सा खां पैदा हो गए। मताबे तो थे नहीं, हाथ के कलमी नुस्खे होते थे, वो रिवायतें घड़ते गए, सनदें बनाते गए, वाकयात किताबों में आ गए। अब उन वाकयात पर जब एक दूसरे के खिलाफ इल्मी एतिकादी जंग जारी थी, अदावत थी, उस माहौल के वजा करदा रावियों के वाकयात पर एतमाद करके आप अकीदा बना लें और कुरान ने नस सरीह में जो कुछ बयान किया है उसको छोड़ दें और कुरान का फैसला भी उन वाकयात की रोशनी में करना चाहें तो गया ये कुरान तो रद्द हो जाएगा। नहीं, बल्कि मैं कहूंगा जो कुछ वाकयात में मिले उनका फैसला कुरान से लें, अगर कुरान के हुक्म के मुताबिक हो तो कबूल करें और कुरान के हुक्म से टकराव हो तो उनको रद्द कर दें, कुरान पर ईमान रखें। यह है कायदा। इसके बाद आगे अगले सफा पर वो फिर बयान करते हैं ला तहजन इन्नल्लाह माना, वो कहते हैं यकूल उले साहिबी, वो कहते हैं कि फरमूद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब खुद अबू बकर, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब खुद अपने सहाबी अबू बकर से फरमाने लगे ला तहजन इन्नल्लाह माना, तरसा मबाश कि खुदा इताला बाशद बनुसरत व गलबा, अल्लाह हम दोनों के साथ है, मदद में भी गलबा में भी सकीनत में भी इस्तेकामत में भी, गम ज्यादा ना हो खौफ ज्यादा ना हो। अब इसके बाद अगली तफसीर है, उसका नाम है तकरीबुल कुरान इलल अजहान, तकरीबुल कुरान इलल अजहान, इसका वॉल्यूम 10 है, अल जुज अल आशिर, दसवीं जिल्द, और ये तफसीर है अहले तशय्यो की बड़ी मोतबर तफासीर में से आयतुल्लाहिल उज़्मा अल सैयद मोहम्मद अल शिराज़ी। ये वो जमाने में जिस तरह जब आयतुल्ला खुमैनी थे, आयतुल्ला गुलबायगानी थे तेहरान में, मेरी इन सब से मुलाकात हुई है 1981-82 में जब मैं ईरान गया था ईरानी गवर्नमेंट की दावत पर, तो आयतुल्लाह उज़्मा खुमैनी से मुलाकात हुई, एक खाना उन्होंने किया मेरा, तेहरान के आयतुल्लाह उज़्मा गुल पायगानी से मुलाकात हुई, आयतुल्लाह उज़्मा मुंतजरी से मुलाकात हुई, आयतुल्लाह उज़्मा मराशी से मुलाकात हुई और आयतुल्लाह उज़्मा शिराज़ी से मुलाकात हुई। ये उस जमाने के मराजे थे साथ जिनके फतवा से ईरानी इनकलाब की बुनियाद बनी थी और जिन्होंने हत्ता कि आयतुल्ला खुमैनी को अपना इमाम और पेशवा और नायब इमाम मुकर्रर किया था। ये मराजी और मसाजिर थे, अथॉरिटीज थे, और अहले तशय्यो के यहां इनकी तकलीद जायज है, इनको वो मुज्तहिद मुतलक तसव्वुर करते, इनकी तकलीद जायज है, उस पाए के लोग हैं। अब उनकी किताब तकरीबुल कुरान इलल अजहान दसवीं जिल्द, हवाले इसलिए दे रहा हूं ताकि मालूम हो सके कि कहीं इख्तिलाफ नहीं। वो कहते हैं जब आका अलैहिस्सलाम मक्का मुअज्जमा से निकले तो फकत आपकी जात थी व अबू बकर, व इज़ुमा फिल ग़ार इज़ यकूल रसूलो ले साहिबही व हुवा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना फ़अन्ज़लल्लाहु सकीनतहु अलैह। मैंने अर्ज किया ना आपको कुदमा से लेकर आज की इस सदी तक कहीं इख्तलाफ नहीं, इसलिए मैं हर जमाने की तफासीर का रेफरेंस दे रहा हूं। इसी तरह एक और दौर जदीद की बहुत बड़ी मोतबर तफसीर शिया हजरात की अत तफसीर उल काशिफ, अल्लामा मोहम्मद जवाद मगनिया की अत तफसीर उल काशिफ, उसकी जल्द 4 है, उसके अंदर भी यही बात करते हैं। वो बयान करते हैं इस आयत को बयान कर के अल मुरादो बिसानी इसनैन व साहिब
वो लिखते हैं कि इन दोनों कलिमात से मुराद सानी उसनैन कौन है और इज यकूल साहिब ही साहिब सिहाबी कौन है, कहते हैं वह अबू बकर। सानी उसनैन भी अबू बकर हैं और साहिब ही में भी मर्जा अबू बकर की तरफ है जमीर का। लिअन्नहु काना मअ नबी फी हिजरतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको चुना था साथ ले जाने के लिए। अब एक और बड़ी कदीम तफसीर की तरफ आ रहा हूं। शिया हजरात के कदीम मराजे में मजमुल बयान, उर्फ आम में इसे तफसीर तबरसी कहते हैं, मजमुल बयान शेख अबू अली अल फजल बिन अल हसन अत तबरसी, ये भी इनकी वफात 548 हिजरी में हुई, यानी हुजूर सैयदना गौसुल आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल से भी 12 साल कबल। मैं आपको जमाने बता रहा हूं कि कदीम जमाने से आज जदीद और हमारे दौर तक किसी जमाने में इख्तलाफ नहीं रहा सहाबियत कतईया पर, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की कतियत कती सहाबी होने पर। तो जब कति सहाबी पर इजमा रहा है उम्मत का कुरान की वजह से, तो ये मनसूख कैसे हो गई, बदल कैसे गई? क्या कोई वाकया इस कुरान की कतियत को कैंसिल कर सकता है, तब्दील कर सकता है, कुरान के कलाम को माजल्ला गलत साबित कर सकता है? तो इसकी पांचवी जल्द है, इसमें भी वो यही बात बयान करते हैं और वो कहते हैं नस्से सरी है, ये बात भी तवज्जो से सुनने वाली। सानी असनैन कहते यानी इन्नहु काना हुवा व अबू बकर रजी अल्लाह ताला, सिर्फ हुजूर और साथ अबू बकर सिद्दीक थे। इस हुमा फिल गार लैसा माहुमा सालिसुन, कोई तीसरा शख्स उनके साथ न था। वह हुवा अहदु इसनैन, और वो दो में से एक थे। फकद नसरहुल्लाह मुनफरदन मिन कुल शैइन इल्ला मिन अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप अंदाजा कर। तो अल्लाह पाक ने उस वक्त जो उन पर मदद उतारी, मौनत उतारी, इस्मत उतारी, सकीनत उतारी, हर शय से उसे जुदा रखा, हर फर्द उससे खाली उस वक्त बाहर रहा सिवाय रसूलुल्लाह के और अबू बकर सिद्दीक के, हर एक से जुदागाना नुसरत और मऊनत और इस्मत और इस्तेकामत और सकीनत अता की सिवाय अबू बकर सिद्दीक के। अबू बकर को हुजूर की सकीनत के साथ शरीक किया। तो जिसको अहले बैत के इमाम और शिया मुफस्सरीन ये बयान करें कि हर एक से मुनफरद उस सकीनत व माइयत में और मऊनत व इस्मत में अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक को तनहा हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ शरीक किया। सिर्फ यह सवाल सोचने का है कि जिस पर अल्लाह को इतना एतमाद है, जिसकी वफादारी पर, जिसकी साबित कदमी पर, जिसकी जानिसारी पर, जिसकी सिहाबियत पर, जिसकी कुर्बानी पर, जिसके इखलास पर, जिसकी हुस्न नीयत पर, जिस पर अल्लाह को इतना एतमाद है कि 5 लकब दे के एक आयत में बयान कर रहा है, और 1400 साल से अइमे अहले बैत और कुतुब शिया का भी इतना इजमा है, तो बताइए कोई दलील इस कुरान से बढ़कर हो सकती है कि जो उस अबू बकर सिद्दीक के एतमाद को तोड़ दे, माजल्ला उस एतमाद को शिकस्ता कर दे और कहे कि वो अल्लाह के एतमाद पे पूरे नहीं उतरे? तो फिर अबू बकर सिद्दीक का नक्स नहीं है, उस एतमाद करने वाले रब के इल्म गैब पर शुबा होगा, उसकी वहदानियत पर, उसकी रबूबियत पर, उसकी तौहीद पर जद आएगी, कुरान पर जद आएगी माजल्ला। अब इस बाब में आखिरी तफसीर जो इस आयत करीमा के तहत कोट कर रहा हूं, फिर हम कुरान मजीद की अगली आयत करीमा की तरफ जाएंगे, वो तफसीर नमूना है। ये तफसीर नमूना पड़ी है सारी, ये पूरी जो आप देख रहे हैं ये तफसीर नमूना पड़ी है मेरे पास। तो ये तफसीर नमूना बहुत बड़ी मारूफ तफसीर है अहले तशय्यो की, और उस्ताद मुहक्किक नासिर मकारिम शिराजी की, और इसकी 7वीं जिल्द है, 7वीं सूरह तौबा की तफसीर में, और उसमें भी वही बात करते हैं कि इस सफर में, सफर पुर खतर में, वो कहते हैं कि सिवाय अबू बकर सिद्दीक के हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ और कोई ना था।
और उस सफर में जो खौफ और हिरास और वाशत का आलम था, अब लफ्ज सुनिए तफसीर नमूना के, अहले तशय्यो के जुमला अहले इल्म वो इस तफसीर नमूना के नाम से खूब वाकिफ है, इतनी शोहरत याफ्ता तफसीर है अजीम मरतबे की। वो कहते हैं उस वाहशत और खौफ और हिरास के आलम का जो सफर था उसमें फकत एक साथी था और उसको कहते हैं वो कौन था, यार महम सफर पयाम्बर। वो हुजूर के सिर्फ हम सफर ही नहीं थे बल्कि हुजूर के यार भी थे। अब इससे पता चला कि जब हम यार गार कहते हैं, यार गार यार मजार, ये सिर्फ अहले सुन्नत का दिया हुआ लकब नहीं है, पहले वक्तों में तो अहले तशय्यो मुफस्सरीन और उलमा मुहक्किकीन भी ये मानते रहे हैं। अब फितनों का दौर है, झगड़े फसाद का दौर है, तो अब जो बच्चे या जो लोग बैठ के टीवी पर या किसी के खिताब या मजलिसों पर सुनते हैं, उन्होंने कौन सी ये किताबें उठा के देखनी है, जो बता दिया वो सुन लिया, जो छुपा दिया वो रह गया। वो कहते हैं यार वहम सफर पयाम्बर। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के हम सफर भी थे, साहिब और यार भी थे, तो वह पयाम्बर ऊरा दिलदारी दाद, उनके दिल को खुश करने के लिए, मोहब्बत की इजहार के लिए, उनको सुकून देने के लिए, गुफ्त गम मखूर खुदा बामास्त। ऐ मेरे यार, ऐ मेरे हम सफर और मेरे यार, गम न कर, अल्लाह हम दोनों के साथ है। वो कहते इज यकूल उल साहिब ही ला तहजन इन अल्लाह माना। ये है वरूद की शान, शान वरूद इस आयत करीमा। तो ये हमने गोया एक आयत करीमा का बयान ये खत्म किया, तो बहुत सारी तफासीर के साथ। और अगली आयत करीमा इंशाअल्लाह ताला हम अगली नशिस्त में शुरू करते हैं। सब मेरा पैगाम ये है कि जो कुछ आपने सुना कुरान मजीद की, तो एक नस ही काफी होती है, एक नस। और यहां तो दर्जनों सुने गए आप आयत करीमा कुरान मजीद में, कोई सैयदना अबू बकर सिद्दीक की शान में। मगर जब मैं ये कह रहा हूं शिया कुतुब तफसीर के हवालों से, मैं अहले सुन्नत की तफासीर की किताबों को इस सीरीज ऑफ लेक्चर में टच भी नहीं कर रहा हूं, हाथ भी नहीं लगा रहा इस सीरीज में। कोई सैयदना सिद्दीक अकबर की शान में आयत बयान होगी, कोई सैयदना फारूक आजम की शान में, कोई सैयदना उस्मान गनी की शान में, जो जिन तीन सहाबाए कराम का खुलफा का इनकार बाज़ औक़ात गलती से जहन में आता है, जिनके खिलाफ जहन बनाए गए हैं, और कुछ खुलफाए अरबा चारों की शान में, कुछ जमी सहाबा की शान में, कुछ उनकी खिलाफत राशिदा की शान में। उसके बाद फिर आप सोचिएगा कि अगर कुरान मजीद इतना वाज़े और कती और सरी है इनकी शान में, तो क्या बाद के वाकयात और घड़ी हुई रिवायात इस काबिल हैं कि वो कुरान को मनसूख कर दें और कुरान की दी हुई तालीम को माजल्ला रद्द करके नया नुक्ता नजर डेवलप कर दिया जाए? इस सवाल पर मैं आपको सोचने के लिए वक्त छोड़ता हूं, और अभी अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला अगली आयत करीमा से बात को शुरू करेंगे। वमा अलैना इल्लल बला। عثمان ذي الكرم مولاي صلِّ وسلم.